मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्टॉक का वीडियो। बिग ब्लैक स्टोन में इतना ही रह गया, सारा निकल गया है। बिग में इतना ही रह गया है, अभी न्यू ऑर्डर किया है और आ जाएगा। ऐसे तो वाइट में भी है, और ये वाइट सिली स्टोन है, ब्लैक ट्रायंगल है। मैं स्टॉक का वीडियो वैसे बनाना नहीं चाहती थी अभी, इसलिए बना रही हूँ। जो भी मेरे बारे में ना लोग यूट्यूब पे गंद फैला रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। लोगों को अपने पैसों की हिसाब रहता है, दूसरों की नहीं। जी, जो मेरे बारे में गंद फैला रहे हैं ना कि मैं किसी से पैसे लेकर रजिस्ट्री लेकर आई हूँ, 6 लाख रुपए दिया था उन्होंने मुझे रजिस्ट्री छुड़वाने के लिए। 6 लाख रुपए की मैं रजिस्ट्री छुड़वा कर लाई थी, तो क्या 6 लाख रुपए दिया था उन्होंने मुझे रजिस्ट्री छुड़वाने के लिए? जो बकवास कर रहे हैं यूट्यूब पे आके, इतनी औकात है उनको, मेरी रजिस्ट्री छुड़वा के देंगी वो, ठीक है। मुझसे 3 बार पंजाब की मिट्टी निकलवा चुकी है, 1.5 क्विंटल, 1 क्विंटल 60 किलो पंजाब की मिट्टी मुझसे वो निकलवाई है, 1 रुपया नहीं दिया। और खुद के पैसों का हिसाब रहता है, मुझसे कई बारी ऑर्डर निकलवाई है किसी के नाकूमट बाइट खाड़ी। अपनी बारी जब आती है ना, तब बोलेंगी कि बाद में कर लेंगे हिसाब, बाद में कर लेंगे। और मैं अगर ऑर्डर निकलवाती थी ना, पहले स्क्रीनशॉट, पेमेंट डालने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता था, और उसके बाद ही एड्रेस देती थी, तब जाके मेरे ऑर्डर निकालते थे। जो लोग बकवास मार रहे हैं ना, ये बकवास मारने का भी रीज़न है क्योंकि मुझे बोला था सिलेट आइटम एक्सचेंज करवा के दो मुझे किसी से पंजाब की मिट्टी के साथ, तो मैंने नहीं दिया, मतलब एक्सचेंज करवा के नहीं दिया। उसी वजह से लोगों की, कुछ लोगों की फटा हुआ है जो मुझे यूट्यूब पे मतलब लगे हुए बदनाम करने के लिए, ठीक है। उनकी औकात नहीं है कि मुझे रजिस्ट्री छुड़वाने के लिए वो लोग 6 लाख रुपए दे। 6 लाख की रजिस्ट्री थी, किसी की 2000 से नहीं जाएगा। लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी से, हम किसी को कोई पैसा देते हैं, ठीक है, वो तो आधी रात को उन्होंने कॉल करके मुझसे पे दिया था, मैं नहीं कहती दिया नहीं दिया था, 5000 रुपये दिए थी, ठीक है। 5000 में से 2000 डलवा भी चुकी है मुझसे वो आधी रात को। और रही जो बाकी की बोल रही है इतना ज़्यादा, मुझसे 3 बार पंजाब की मिट्टी निकलवाई है, उन्होंने 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया है। बिल्टी का, कोलकाता का बिल्टी का ही इतना पैसा लग जाता है, वो देना तो दूर की बात है। लोगों को खुद की हिसाब किताब पूरा लिख के रखते हैं, पर दूसरों का नहीं। जो दूसरों से लेते हैं ना, उसका हिसाब किताब नहीं होता है लोगों को। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब पे गंद फैला रहे हैं। और मेरे कस्टमर को पता है मैं कैसी हूँ। अगर फर्स्ट टाइम में ऑर्डर अगर बाईसेंस वापस आते हैं ना, मैं उनको दोबारा भी देती हूँ, दोबारा भी लगा देती हूँ ऑर्डर। सब मेरे जितने कस्टमर है सबको पता है। लोगों को अगर लगता है ना कि अपना हिसाब किताब पूरा फुल रखते हो, तो दूसरों का भी रखो। दूसरों का पैसा कोई वैसे ऊपर से नहीं गिरता है। 3 बार पंजाब की बिस्किट निकाला है, उसकी 1 रुपया भी दिया है। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, 5 किलो क्ले पॉट के एक्सचेंज में क्विंटलों पंजाब की मिट्टी नहीं मिलती है। मुझे हर बार बोलते थे कि बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और खुद का मुझे क्या पता था, खुद का लिख लिख कर रखती थी। और जो कि उस दिन मैं रात को, आधी रात को पेमेंट उनको डाल भी चुकी हूँ। मैं कितना पेमेंट डाली हूँ मैं सब दिखा दूँगी। और मेरे पास 3-3 बिल्टी है जो मुझे एक बार भी पेमेंट नहीं आई है, वो भी दे दूँगी। 2 महीने से मैं, कितने टाइम से मैं देख रही हूँ, बकवास पे बकवास मार रहे, किसी को कभी मेरे यूट्यूब चैनल पे भेज रहे, किसी को गालियाँ देने के लिए भेज रहे, किसी को बदवाई लिख लिख कर देने के लिए भेज रहे हैं। फिर भी मैंने कहा चलो यार, नादान है, कोई बात नहीं। पर ये इन सब का मुंह नहीं लगना चाहती थी। जब लोग मुझे बोलते हैं ना, हद से ज़्यादा हो गया है, खुद का भी हिसाब किताब रखे ना। 1.5 क्विंटल मिट्टी वैसे ही नहीं आ जाता है, और 1000-1200 जो शिपिंग का पैसा है ना, वो भी वैसे ही नहीं आता है। 3 बार भेजा है मैंने, तो लोगों को समझना चाहिए। अपने पैसा पैसा, दूसरों का पैसा पानी है, दूसरों का मिट्टी है, कुछ नहीं है।
बाय।